अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटेरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और अगस्त के महीने में वो कौन से बिल्डिंग मटेरियल हैं जिनके रेट्स में कमी होगी और वो कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं जिनके रेट में इजाफा हो सकता है, और पिछला जो जुलाई का महीना गुजरा है इसमें कौन कौन से मटेरियल हैं, सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, पेंट्स, आपके पीवीसी पाइप्स और इसी तरह जो इलेक्ट्रिक पाइप्स हैं, इनके हवाले से क्या अपडेट्स रही हैं, कौन सा मटेरियल सस्ता हुआ है और कौन सा मटेरियल महंगा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि सीमेंट के रेट में पिछला महीना जो गुजरा है जुलाई का वो अच्छा था, इसके रेट में तकरीबन 40 से 50 रुपए तक कमी देखने में आई है, जो कि इंडस्ट्री के लिए अच्छा साइन है। तो चलो दोस्तों मैं आपको तमाम जो मटेरियल्स हैं उनकी डिटेल्स वन बाय वन करके बताता हूं। जैसा कि हम आपको हर महीने के स्टार्ट में बताते हैं कि भाई पिछले महीने में क्या रेट थे, अब मौजूदा रेट्स क्या है और आने वाले दिनों के हवाले से जो आने वाला महीना होता है उसमें कौन से रेट्स बढ़ सकते हैं और कौन से रेट्स कम होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले जुलाई के महीने में आपको बताया था कि भाई कंस्ट्रक्शन जो है वो इस वक्त बहुत कम है, सीमेंट की डिमांड में बहुत ज्यादा कमी देखी गई है, और इस महीने में आपको हमने कहा था कि जुलाई का जो महीना गुजरा है इसमें सीमेंट के रेट्स कम हो सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे हुआ है। तो चलो दोस्तों मैं अब आपको अगस्त के हवाले से भी बताता हूं कि अगस्त के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाजमी फॉलो कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे रेत और बजरी की। दोस्तों रेत इस वक्त जो है इसका रेट बहुत ज्यादा अप हुआ है जुलाई के महीने में, उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताई थी और अब भी बता देता हूं कि भाई दरियाओं में बहुत ज्यादा पानी है जिसकी वजह से रेत की शॉर्टेज चल रही है, और रेत एक तो अच्छी आ नहीं रही और दूसरा जो आ रही है उसके रेट में अच्छा खासा इजाफा देखने में आया है। तकरीबन पहले जो रेट था ये 36,000 रुपए का एक डैम्पर, अभी 42,000 रुपए का एक डैम्पर मिल रहा है, यानी 5 से 6,000 रुपए रेत के रेट में इजाफा देखने में आया पिछले महीने में। लेकिन दोस्तों ये जो महीना अगस्त का चल रहा है इसके लास्ट पर जो है वो दरियाओं से पानी का लेवल थोड़ा कम होगा और जिसकी वजह से रेत आसानी के साथ अवेलेबल होगी और रेत की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी और इसके रेट में भी कमी हो सकती है, बशर्ते कि आपके जो डीजल के रेट्स हैं या पेट्रोल के रेट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो। इसी तरह दोस्तों बजरी का जो रेट है, बजरी के क्रश वाले जो प्लांट्स थे वो बंद हो गए थे जिसकी वजह से बजरी की भी शॉर्टेज पैदा हुई है और बजरी के रेट में भी इजाफा देखने में आया है इस महीने। दोस्तों तकरीबन 5 से 10 रुपए जो है वो बजरी के रेट में भी इजाफा हुआ था। इसके बारे में भी यही है कि प्लांट्स इंशाल्लाह चालू होंगे और अगर आपके डीजल पेट्रोल के रेट्स नहीं बढ़ते तो इसके रेट में भी कमी हो सकती है। लेकिन दोस्तों अभी डीजल और पेट्रोल के रेट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इधर इनके रेट्स बढ़ने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि डॉलर का रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब बात है जी सीमेंट की तरफ, सीमेंट सस्ता हुआ है जी जुलाई के महीने में, तकरीबन 40 से 50 रुपए जो सीमेंट का एक बैग है उसके रेट में कमी देखने में आई है। उसकी वजह यह थी कि भाई डिमांड में बहुत ज्यादा कमी थी, हालांकि आपका डीजल सस्ता हुआ था 40 रुपए लेकिन दोबारा फिर इन्होंने 10 रुपए बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों इसकी डीजल की वजह से या पेट्रोल की वजह से इसके रेट्स कम नहीं हुए थे, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम है। आपने न्यूज चैनल में भी सुना होगा 50 से 60% वो अपनी न्यूज में दे रहे थे लेकिन एक्चुअल 70 से 80% डिमांड इसकी कम है जिसकी वजह से रेट्स कम हुए थे। अभी अगस्त में डिमांड मजीद कम रहेगी लेकिन अगस्त के लास्ट पर काम दोबारा स्टार्ट होंगे जिसकी वजह से मेरे ख्याल से अब इसका रेट या स्टेबल रहेगा या अगस्त के एंड से इसके रेट में हो सकता है थोड़ा बहुत इजाफा देखने में आ जाए। अब दोस्तों बात करते हैं सरिया की। सबसे अहम आइटम मानी जाती है सीमेंट और सरिया आपकी कंस्ट्रक्शन में, तो सरिया के हवाले से जो रेट्स हैं वो तकरीबन जुलाई में सेम रहे हैं। इसके रेट में भी अच्छा खासी कमी हो सकती थी लेकिन डॉलर का रेट स्टेबल नहीं रहा, तकरीबन 40 से 50 रुपए एक महीने के दौरान डॉलर का रेट बढ़ा है, बल्कि सरिया का रेट तो खदशा था कि 300 से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो क्योंकि पाकिस्तान में डिमांड कम है इस वजह से सरिया के रेट तकरीबन 230-240 के अराउंड अबाउट ही रहे हैं जो अच्छे ब्रांडेड स्टील हैं। इसी तरह जो लोकल सरिया था उसका रेट तकरीबन 218-220 के अराउंड अबाउट ही रहा है, कभी 2-4 पे कम भी हुआ है, 2-4 पे इजाफा भी इसके रेट में देखने में आया है, लेकिन जो रेट महीने के स्टार्ट में था तकरीबन रेट वही रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ प्लास्टिक के आपके पीवीसी पाइप्स वगैरह की, और जो प्लास्टिक का जो आपका दूसरा सामान है जिसमें पीवीसी इस्तेमाल होता है उसके दोस्तों रेट्स में इजाफा देखने में आया है इस महीने में। उसकी वजह यह थी कि भाई पेट्रोलियम के रेट्स काफी ज्यादा बढ़े थे महीने के स्टार्ट में, जिसकी वजह से आपका प्लास्टिक का, चाहे वो पीवीसी पाइप्स हैं, चाहे आपका पानी वाला पाइप है, चाहे आपका शॉपर है या इस तरह की चीजें हैं, इन तमाम के रेट्स में इजाफा देखने में आता है। अगर वन बाई वन आप किसी भी चीज का रेट मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस चीज का नाम लिख दे, मैं आपको उसका रेट अपडेट कर दूंगा। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको बता दूं पेंट के रिलेटेड के, पेंट के जो रेट्स हैं इनके रेट्स में भी अच्छा खासा इजाफा देखने में आया है। डिस्टेंपर की जो ड्रमी है तकरीबन 300-400 रुपए उसके रेट में इजाफा हुआ, वेदर शीट की जो ड्रमी है उसके रेट में भी 500-700 रुपए इजाफा हुआ, और एनामल की गैलन में भी तकरीबन 150-200 रुपए इजाफा देखने में आया। आने वाले महीने में भी इसके रेट में इजाफा होगा। पेंट के रेट के बारे में आपको बता दूं कि इनके रेट से एक मतलब बढ़ जाएं तो तकरीबन 99% चांस होते हैं कि इनके रेट्स में कमी नहीं आएगी।
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से ताज़ा अपडेट है इस स्पेशल अगस्त के महीने के हवाले से कि अगस्त में कौन से मटेरियल सस्ते होंगे, कौन से मटेरियल के रेट में इजाफा होगा। ये मैंने आपको तमाम डिटेल बता दी है कि जुलाई में क्या रेट्स थे, अब क्या रेट्स हैं और आने वाले दिनों में क्या रेट्स होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।